ये वाला पैन, ये अपने लिए ले रही हूँ मैं। देखे नहीं देख कैसा लग रहा है। क्या ले रही दीदी? ये अनमोल चीज, सिंदूर रखने वाला, बहुत सुंदर सुंदर है। देखो डिजाइन यहाँ पे, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये चांदी की सिंदूर रानी। देखो, हेलो हेलो। तो आज दीदी को तकलीफ है दांतों में, और एक जगह नहीं, इधर भी दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत है, तो कुछ खा पी नहीं पा रही है, और चेहरा भी यहाँ से स्वेलिंग थोड़ी बहुत आ गई है। नहीं अभी, लेकिन फिलहाल दवाइयों से बहुत रिलीफ इसको है। मैंने तैयार कर दिया है, फिर भी क्योंकि मुझे ना ये सूट का कोलेब्रेशन बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा जान खा जाते हैं कुछ लोग। और उसके साथ मैं भी तैयार हो गई हूँ, मैं सूट पहनती हूँ तो अजीब भी लगती हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद का दिया हुआ इयर रिंग पहन ली है। सब कुछ दीदी का है। जा रहे हैं ज्वेलरी लेने के लिए, क्योंकि मेरे ननद की यहाँ पे शादी है, मतलब मेरे ननद की शादी है, तो कुछ मतलब मुझे गिफ्ट करने के लिए कुछ चीज़ लेनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आई हूँ तो लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं ना आज ही निकल जाऊँगी घर के लिए। दीदी कल शाम को आई है और आज चली जाएगी। क्योंकि ना मेरे को ना मतलब मैंने दांत की सफाई वगैरह सब कुछ करा ली, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना मुँह का वीडियो दिखाना या फिर इस तरीके से, और रम्या के लिए भी कुछ स्पोर्ट्स की कुछ चीज़ें लेनी है, तो लेके आते हैं। ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, आई होप कि ये ब्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगे, और तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप सबसे। और थैंक यू ब्लेसिंग देने के लिए, थैंक यू सो मच। और ये रही मेरी मम्मी, और इनको देख के ना मैं हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इनका आशीर्वाद मैं ले रही थी कि आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि शादी भी है घर में और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़े देर बाद, बाय। तो यहाँ पे मैं 2 साल बाद रील बनाने जा रही हूँ आपके साथ। लाज लगता हुआ अनुक लग वैसे। चल स्टार्ट करी ना। ए दीदी गोल दी होनी, चल जा ऑफिस में फोन बता। चल स्टार्ट कर देनी। हाँ यदि असली कर 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 मार मार हमके मारत रहो, जनता देखे। चिंता माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं करी, मेरे छाला गया है। हेलो कैसे हैं आप सर? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में, विथ माय सिस्टर, विथ माय टकली सिस्टर। बाल झड़ रहे हैं और आज जो है वो मुझे काफ़ी रिलीफ है, तो मैं तैयार हो गई, क्योंकि मैं बनारस, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया गाइस। मैं 2 मिनट में मिलती हूँ, पहले इनकी सुताई और कुटाई दोनों कर ली जाए। इधर देखिए, नहीं राम जी नहीं मरे हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। यू आर माई हार्ट, हार्ट बीट हम का लंग से तो बीट रूट है, बीट रूट है। सो नॉट फिकर, आई एम हियर ऑलवेज विथ यू, कार्टिंग बोटिंग बोटिंग। हाँ भाई डियर डेविल, देख ये हो रहा एक्सरसाइज। आई दीदी35 किलो की लड़की, शादी में ले जाके पहुंचा देना विदाई में ऐसे। जाओ जाओ लेके फिटकरी ले आना। मैं आ गई हूँ जालान शोरूम, बताइए। मैं सिल्वर और गोल्ड यहीं से लेती हूँ, देखिए क्या पसंद आता है आज हम लोगों को। अपने लिए भी ले लूँ क्या? ले लो, पहले देख लो। हाँ ठीक है, देखते हैं हम डिज़ाइन फिर कौन सा सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, लाइट वेट है। क्या प्राइस के होंगे ये वाला पैन? ये अपने लिए ले रही हूँ मैं। देखे नहीं देख कैसा लग रहा है। इसका डिज़ाइन अच्छा है, बहुत सुंदर सा है इसका डिज़ाइन। और भी पायल, यहाँ पायल की बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है। एक ये पायल ही मुझे बहुत सुंदर लग रहा है।
क्या ले रही दीदी? ये अनमोल चीज सिंदूर रखने वाला, बहुत सुंदर सुंदर है। देखो डिजाइन यहाँ पे ये बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये चांदी की सिंदूर रानी देखिए, डिजाइन अच्छे अच्छे हैं। अरे मैरिड लोग को दे देना, उनकी भी शादी कहाँ हुई है, उस दिन होगी अभी। मैं अपने लिए सोच रही थी, हाँ होना चाहिए ना मेरे पास भी। फिर घुमा देना सब। नहीं घुमाऊंगी। चलो ठीक है, देखने ये भी सुंदर लग रहा है। ये तो बड़े बड़े हैं ना, ये तो छोटा मैंने ये और ये दो डिजाइन। ठीक है चल ठीक है, प्रियंका बिलिंग करा रही है। चल ठीक। हेलो जी, तो मैं आ गई हूँ घर पे और कल मेरा फाइनल दांत निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने आज शॉपिंग कर लिया। दर्द भी होने दीदी, उसके बावजूद देखिए मुंह कैसा उतरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आज तैयार होके गई थी क्योंकि एक शादी है, मैंने बताया वो मेरी ननद लगेंगी तो उनके लिए। तो मैं क्या लेके आई, मैंने ये पायल, ये वाली एकदम प्यारी सी पायल लेके आई, जो मुझे अच्छा लगा वो मैं लेके आई। और ये कुछ हरम्या के लिए चीज़ें लेनी थी तो मैं वो लेके आई। और अभी हम पी रहे हैं चाय। और जब भी मैं जलांस में जाती हूँ ना, गोल्ड वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे सभी लोग मोस्टली जानते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना आदर आदर सम्मान भी मिलता है। तो मुझे ना अपने लिए, अरे अपने लिए भी मुझे पसंद आया था पायल, बट मेरा भी पैसे का बजट नहीं, क्योंकि दांत में RCT इस साइड करवानी है और इस साइड के दांत को निकाल, या तो उसके वो जो स्लॉट है क्लॉट है क्या है उसको, या तो ऑपरेशन से निकलेगा, कल फाइनल हो जाएगा जो कुछ भी है। इसीलिए मैंने आज थोड़ी बहुत चीज़ें कर ली और मैं अपनी फ्रेंड से भी मिलने गई थी क्योंकि मुझे कुछ ऐसे ज़रूरी था। और एक दो जगह पे मुझे मैं बुटीक के लिए सोची थी तो देखना है, तो इसीलिए मैं सोचा कि आज मैं सब कुछ कर लेती हूँ, कल से तो मेरा मुँह खुलेगा ही नहीं, तो ब्लॉगिंग का जिम्मा मैं दूंगी गोलू प्रियंका को। ये जो अपना नहीं कर पा रही हो तो क्या, ये लोग मेरा करेंगी, ये वीडियो बनाएंगी तो वीडियो जाएगी, नहीं बनाएगी तो वीडियो नहीं जाएगी। तो कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और पिछले कुछ दिनों के लिए भी, अगर ये लोग करेंगी। मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने और मिलेंगी आप सबसे, बहुत छोटी सी वीडियो है क्योंकि मैं आजकल बिल्कुल भी अपने ब्लॉग पर नहीं ध्यान दे पा रही हूँ, जबकि मुझे बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। अभी आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं तो मुझे तो दिन भर में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शूट करने चाहिए, इसी टाइम मेरा लो पॉइंट आ गया। जब भी मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है ना तो यही सब चीज़ें हो जाती हैं। बट कोई नहीं, आप लोग का प्यार है, आप लोग का सपोर्ट है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे आ गई है सब्जी, ये देखिए इतनी सारी सब्जी आ चुकी है, अभी बनेगा खाना और सब्जी दिखाओ तो नहीं, गोलू का मुँह बन रहा है, गोलू बोलू मुझे मत दिखाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं बैठे बैठे सो रही हूँ। और एक और चीज़ था कि अभी जा रहा है खाना बनने, तो मैं कोशिश करूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं और ब्लॉगिंग कर पाऊँ। घर में हम लोग कैसे रहते हैं, एक छोटे से कमरे की ज़िंदगी कैसी होती है, या होम टूर देखना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, शायद ये लोग वीडियो ये वाली बना दें, क्योंकि मैं तो कल हॉस्पिटल, मुझे 10 बजे हॉस्पिटल चले जाना है। और कुछ होता है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन लाइफ में लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, क्या करें क्या ना। और मैं तो छोड़ के आई हूँ तो वो भी मन नहीं लग रहा है, मतलब आज ही मैं जाने वाली थी घर, बट मैं आज नहीं जा पाई क्योंकि रम्या के पापा का कहना है कि घर में काम है, घर में काम लगा है, तो काम करो पहले, तुम करवा के आओ, वहाँ गई हो तो अपना सब कुछ इलाज, बाद में यहाँ आके फिर रोगी, फिर परेशान होगी, फिर मैं लेके नहीं जा पाऊँगा तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, मैं उम्मीद करूँगी। देख लीजिए ये चेहरा ऐसा है और ये चेहरा ऐसा हो गया है, तो ये भी चीज़ अजीब लग रहा है, भले ही मैं क्यूट लग रही होंगी, आप लोग को प्यारी लग रही होंगी, ख़राब लग रही होंगी, बट फूली ज़रूर लग रही होंगी। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपना चेहरा सेकूँगी, हे भगवान ये क्या हो गया, क्यों हो गया। तो रम्या के पापा, तो कल मुझे किसी ने भी ये भी कमेंट लिखा था कि तुमको तो तुम्हारा हस्बैंड पूछता नहीं है, ऐसे ही मुँह उठा के चली आती हो और वो तुम्हारा साथ नहीं देता, तो ऐसा नहीं है। देखिए हम दो ही लोग हैं, हमारा एक बच्चा है और हमारा एक बहुत बड़ा घर परिवार बिजनेस खेती बाड़ी है, तो दोनों को देखना पड़ता है। हाँ मुझे बुरा लगा था, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल देगा। बुरा इसलिए लगा था कि जैसे फैमिली वाले होते हैं तो गोलू प्रियंका है तो ये देख लेंगी, और बाकी रम्या के पापा होते तो और वो चीज़ें बहुत अच्छी होती, और ज़्यादा अच्छा होता, जैसे कि दांत है या कुछ भी हॉस्पिटल। तो कैसे छोड़ के चले आ जाएंगी घर,
नहीं जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा है और मेरा दांत भी बहुत जरूरी था क्योंकि दांत और मुंह की चीजें ऐसी होती है ना कि वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं, तो इसलिए तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा इस पर बात करना चाहिए। निगेटिविटी देखिए, मैं पहले ही मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, मतलब ये ना ऐसी देखिए बुखार है ना, आपको अपने दवाई खाई सोई उतर गया, ये ना बहुत इरिटेट कर रहा है, पूरे दिन में कभी भी दर्द करने लगता है, कभी भी चिक 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 चिक, तो मैं ना बहुत परेशान हूँ। मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए, तो इस टाइम पे अगर ये चीज़ें होंगी ना तो वो चीज़ें मुझे इफेक्ट करेंगी। ए हो दवाइयाँ मिले वाला प्लीज़ खोज दे सर, हो जाता हूँ मैं डाले वाला, ए बुची तू ही खोज दे। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी बातों को आप लोग समझेंगे, और बस एक ही भेजे करनी है, हाँ 77 गुना है तो। ए बे यार रुक यार, तुम ही लोग कर लो, मैं नहीं बात करूँ, ये लोग मुझे बहुत परेशान किए हैं। तो थोड़ी बहुत हमने मस्ती करी, कोशिश करी खुद को खुश रखने की, बहुत टाइम के बाद हमने थोड़ा सा अच्छा मतलब अच्छा टाइम बिताया, कहूँ या अच्छा वो हुआ ये कहूँ। मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, ये लोग मेरे पीछे पड़ी हुई हैं क्योंकि चाय है और गर्म चाय भी नहीं पिया जा रहा है, ठंडी भी नहीं पी जा रही है, गर्म भी नहीं पिया जा रहा है। और देखिए थोड़ी सी चाय है मेरा ना, मैं लिक्विड पे लगता है हो जाऊंगी, और कल जब दांत का वो होगा तो मैं लिक्विड पे तो हो ही जाऊंगी। प्रार्थना करिए ना कि मुझे परेशान करिए इस टाइम पे, इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी अपने चैनल पे या कहीं भी एक्टिव नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, बस जो भी अपडेट चल रहे हैं लाइफ में वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, प्रणाम, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।